नमस्ते, किचन क्वीन ये मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाई हूँ मसाला शिकंजी। तो ये दो तरह से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक है जो पानी के साथ और दूसरा जो सोडे के साथ। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पुदीना की पत्ती जो हमने धो के अच्छे से साफ कर ली है। 2.5 टेबल स्पून हमें चाहिए पाउडर शुगर। उसके बाद हमें चाहिए 2 टेबल स्पून लेमन जूस। इसके बाद हमें ये सब्जा का बीज आता है तो ये चाहिए, तो 1 टीस्पून हमें ये बीज चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए काला नमक, धनिया पाउडर, सादा नमक, जीरा पाउडर। तो चलिए इसे बनाते हैं। पहले जो सब्जा का बीज है इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे फूलने देंगे। 1-5 मिनट में अच्छा फूल जाएगा। सब्जा सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो आप इसमें नींबू के शरबत में भी इसे ले सकते हो। सबसे पहले जो पुदीना की पत्ती होती है हम उसे थोड़ा सा क्रश कर लेंगे। आप ये मिक्सर में भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ एक खलबत्ते में कर रही हूँ। इसे थोड़ा थोड़ा ही क्रश करना है जिससे उसका स्वाद हमारे शरबत में उतर जाए। इस तरह हमें ये क्रश कर लिया है। सबसे पहले हम ग्लास में आइस डालते हैं। 4 से 5 क्यूब हम आइस के डालेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। तो 1 टेबलस्पून लेमन जूस एक ग्लास में और दूसरा दूसरे ग्लास में। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, 1.5 टेबलस्पून चीनी हम एक इसमें ऐड करेंगे। आप कम या ज्यादा कर सकते हो। उसके बाद धना पाउडर है वो 1/2 टीस्पून हम एक इसमें ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून दूसरे इसमें। दूसरा जीरा पाउडर, ये जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर है तो ये भी हम 1/2 टीस्पून ऐड करते हैं। उसके बाद काला नमक और हमारा जो रेगुलर नमक है वो। इसके बाद हम ऐड करते हैं पुदीना जो हमने क्रश करके रखा है। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब एक इसमें हम डालेंगे सोडा और एक इसमें हम डालेंगे पानी। इसे आपको सोडा के साथ अगर शिकंजी पसंद है तो आप वैसे भी बना सकते हो या पानी के साथ। अब एक इसमें हम पानी डालेंगे, चिल्ड वाटर है ये, और जो दूसरा ग्लास है इसमें हम सोडा डालेंगे। कोई भी प्लेन सोडा आप ले सकते हो। अब एक इसमें हम सब्जा के बीज डालेंगे जिसमें हमने पानी डाला हुआ है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इस तरह हमारा मसाला शिकंजी बनके रेडी हो चुका है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना।